हेलो दोस्तों, आज की इस कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम पुस्तक का अंतिम अध्याय शुरू करेंगे, जिसका नाम है संचार व्यवस्था। आज इस वीडियो में हम इस अध्याय का पहला भाग समझेंगे। दोस्तों, इस संसार का प्रत्येक प्राणी अपने चारों ओर के संसार एवं अन्य प्राणियों के साथ लगभग निरंतर ही सूचनाओं के आदान प्रदान करता रहता है। किसी सफल संचार के लिए यह आवश्यक है कि प्रेषक एवं ग्राही दोनों ही किसी सर्व सामान्य भाषा को समझते हों। मानव निरंतर ही यह प्रयत्न करता रहा है कि उसका मानव जाति से संचार गुणता में उन्नत हो। मानव प्रागैतिहासिक काल से आधुनिक काल तक संचार में उपयोग होने वाली नई नई भाषाओं एवं विधियों की खोज करने के लिए प्रयत्नशील रहा है, ताकि संचार की गति एवं जटिलताओं के पदों में बढ़ती आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके। दोस्तों, आधुनिक संचार की जड़ें 19वीं तथा 20वीं शताब्दी में सर जगदीश चंद्र बोस, F.B. मोर्स, जी मार्कोनी तथा अलेक्जेंडर ग्राहम बेल के कार्य द्वारा डाली गई। इस अध्याय में हम जानेंगे संचार व्यवस्था के अवयव। इलेक्ट्रॉनिक संचार व्यवस्थाओं में उपयोग होने वाली मूल शब्दावली को, तो आइए इस अध्याय को शुरू करते हैं। दोस्तों, संचार सभी सजीव वस्तुओं के जीवन के प्रत्येक चरण में व्याप्त है। चाहे संचार की कोई भी प्रकृति हो, प्रत्येक संचार व्यवस्था के तीन आवश्यक तत्व होते हैं: प्रेषित्र, माध्यम या चैनल तथा अभिग्राही। किसी संचार व्यवस्था में प्रेषित्र किसी एक स्थान पर अवस्थित होता है, अभिग्राही किसी अन्य स्थान पर, चाहे वो पास हो या दूर, वहां पर अवस्थित होता है, तथा चैनल एक ऐसा भौतिक माध्यम है जो इन्हें एक दूसरे से संयोजित करता है। चैनल का प्रकार संचार व्यवस्था के प्रकार पर निर्भर करता है। यह प्रेषित्र तथा अभिग्राही को संयोजित करने वाले एक तार अथवा केबल के रूप में हो सकता है, अथवा वह बेतार यानी वायरलेस भी हो सकता है। प्रेषित्र का उद्देश्य सूचना स्रोत द्वारा उत्पन्न संदेश सिग्नल को चैनल द्वारा प्रेषण के लिए उपयुक्त रूप में परिवर्तित करना होता है। जब कोई प्रेषित सिग्नल चैनल के अनुदेश संचारित होता है, तो यह चैनल में अपूर्णता के कारण विरूपित हो जाता है। इसके अतिरिक्त प्रेषित सिग्नल में नॉइस यानी रव मिल जाता है, फलस्वरूप अभिग्राही प्रेषित सिग्नल का विकृत रूप प्राप्त करता है। अभिग्राही का कार्य प्राप्त सिग्नल को प्रचालित करना होता है। यह इस सूचना सिग्नल की पुनः संरचना करके इसे मूल संदेश सिग्नल को पहचान सकने योग्य रूप में लाता है, ताकि संदेश प्राप्तकर्ता को पहुंचाया जा सके। दोस्तों, इसके अतिरिक्त संचार के दो मूल ढंग हैं। पहला, बिंदु से बिंदु तक संचार, तथा दूसरा, प्रसारण। बिंदु से बिंदु तक संचार विधि में एकल प्रेषित्र तथा अभिग्राही के बीच के संयोजन यानी लिंकेज से होकर संचार होता है। इस विधि के संचार का एक उदाहरण है टेलीफोन व्यवस्था। इसके विपरीत प्रसारण विधि में किसी एकल प्रेषित्र के तदनुरूपी बहुत से अभिग्राही होते हैं। प्रसारण विधि द्वारा संचार के उदाहरण रेडियो तथा टेलीविजन है। आइए अब जानते हैं इलेक्ट्रॉनिक संचार व्यवस्थाओं में उपयोग होने वाली मूल शब्दावली को, जिसमें सबसे पहले है ट्रांसड्यूसर। दोस्तों, ट्रांसड्यूसर एक ऐसी युक्ति है जो कुछ भौतिक चरों जैसे कि दाब, विस्थापन, बल, ताप आदि को अपने निर्गत पर तदनुरूपी विद्युतीय सिग्नल के चरों में रूपांतरित कर सकती है। या इसे सरल शब्दों में कहें तो ये एक ऐसी युक्ति है जो ऊर्जा के एक रूप को किसी दूसरे रूप में परिवर्तित कर देती है। अगला शब्द है सिग्नल। दोस्तों, प्रेषण के लिए उपयुक्त वैद्युत रूप में रूपांतरित सूचना को सिग्नल या संकेत कहते हैं। ये सिग्नल या संकेत या तो अनुरूप यानी एनालॉग अथवा अंकीय यानी डिजिटल हो सकते हैं।
अगली शब्दावली है रव यानी नॉइस। रव से तात्पर्य उन अवांछनीय सिग्नलों से है जो किसी संचार व्यवस्था में संदेश सिग्नलों के प्रेषण तथा संसाधन में विक्षोभ का प्रयास करते हैं। रव उत्पन्न करने का स्रोत व्यवस्था के बाहर अथवा भीतर हो सकता है। अगला शब्द है प्रेषित्र। दोस्तों, प्रेषित्र प्रवेशी संदेश सिग्नल को संसाधित करके चैनल से होकर प्रेषण तथा इसके पश्चात अभिग्रहण के लिए उपयुक्त बनाता है। अगला है अभिग्राही। कोई अभिग्राही चैनल के निर्गत पर प्राप्त सिग्नल से वांछनीय संदेश सिग्नलों को प्राप्त करता है। अगला शब्द है क्षीणता। दोस्तों, माध्यम में संचरण के समय सिग्नल की प्रबलता में क्षति को क्षीणता कहते हैं। अगला है प्रवर्धन यानी एम्प्लीफिकेशन। यह किसी इलेक्ट्रॉनिक परिपथ जिसे प्रवर्धक यानी एम्पलीफायर कहते हैं के उपयोग में सिग्नल आयाम में वृद्धि की प्रक्रिया है। संचार व्यवस्था में क्षीणता के कारण होने वाले क्षय की क्षतिपूर्ति के लिए प्रवर्धन आवश्यक है। दोस्तों, प्रवर्धन स्रोत तथा लक्ष्य के बीच उस स्थान पर किया जाता है जहां सिग्नल की प्रबलता अपेक्षित प्रबलता से दुर्बल हो। अगला शब्द है परास यानी रेंज। यह स्रोत तथा लक्ष्य के बीच की वह अधिकतम दूरी है जहां तक सिग्नल को उसकी पर्याप्त प्रबलता से प्राप्त किया जाता है। बैंड चौड़ाई या बैंडविड्थ। बैंड चौड़ाई से हमारा तात्पर्य उस आवृत्ति परास से है जिस पर कोई उपकरण प्रचालित होता है अथवा स्पेक्ट्रम के उस भाग से है जिसमें सिग्नल की सभी आवृत्तियां विद्यमान हैं। अगला शब्द है मॉड्यूलन यानी मॉड्यूलेशन। दोस्तों, निम्न आवृत्ति के मूल सिग्नलों, संदेशों या सूचनाओं को अधिक दूरियों तक प्रेषित नहीं किया जा सकता, इसलिए प्रेषित्र पर निम्न आवृत्ति के संदेश सिग्नलों की सूचनाओं को किसी उच्च आवृत्ति की तरंग पर अध्यारोपित कराया जाता है जो सूचना के वाहक की भांति व्यवहार करती है और इस प्रक्रिया को कहते हैं मॉड्यूलन। अब ये मॉड्यूलन कई प्रकार के होते हैं जिन्हें संक्षेप में AM यानी कि एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, FM यानी फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन तथा PM यानी फेज मॉड्यूलेशन कहते हैं, जिसके बारे में हम अगले भागों में जानेंगे। अगला शब्द है वी मॉड्यूलन या डी मॉड्यूलेशन। दोस्तों, इस प्रक्रिया को जिसमें अभिग्राही द्वारा वाहक तरंग से सूचना की पुनः प्राप्ति की जाती है, वी मॉड्यूलन कहते हैं। यह मॉड्यूलन के विपरीत प्रक्रिया है। और अंतिम शब्द है पुनरावर्तक। पुनरावर्तक अभिग्राही तथा प्रेषित्र का संयोजन होता है। पुनरावर्तक प्रेषित्र से सिग्नल चयन करता है, उसे प्रवर्धित करता है तथा उसे अभिग्राही को पुनः प्रेषित कर देता है। कभी कभी तो वाहक तरंगों की आवृत्ति में परिवर्तन भी कर देता है। पुनरावर्तकों का उपयोग किसी संचार व्यवस्था का परास विस्तारित करने के लिए किया जाता है। कोई संचार उपग्रह वास्तव में अंतरिक्ष में एक पुनरावर्तक स्टेशन ही है। तो दोस्तों, इसी विषय के साथ हम खत्म करते हैं हमारा आज का ये वीडियो। आज के इस वीडियो में हमने जाना संचार व्यवस्था के अवयव और इलेक्ट्रॉनिक संचार व्यवस्थाओं में उपयोग होने वाली मूल शब्दावली को। अगले वीडियो में हम जानेंगे सिग्नलों की बैंड चौड़ाई, प्रेषण माध्यम की बैंड चौड़ाई, विद्युत चुंबकीय तरंगों का संचरण। तब तक के लिए गुड बाय।